हेलो सर, हाँ बोलिए सर। अमित का अभी 26 डे हो गया है हाँ और उसका उसका अभी जो मेडिटेशन चालू है, हाँ मगर उसका 29 अगस्त में एग्जाम आ रहा है, तो हाँ अभी 7 दिन बाकी। अभी उसका अच्छा प्रैक्टिस कम करेंगे, मेडिटेशन निकला करेंगे, चलेगा हाँ कि चलता है। क्या कीजिए सर, दो? एग्जाम का दौरान जो है मेडिटेशन किया तो भी चलेगा, लेकिन एक स्पेशल मेडिटेशन है बिफोर एग्जाम का, वो कीजिए। हाँ ओके, हाँ बिफोर एग्जाम का एक मेडिटेशन दिया है हमारे वीडियो कोर्स में, बट आपने सुना है वो बिफोर एग्जाम? सिक्स हाँ 7 डे का आएगा। हाँ नहीं वो आगे रहेगा शायद, यानी हाँ, मेबी 24 25। 24 23 ऐसे कुछ तो रहेगा। क्यों, वो मेडिटेशन उनको ड्यूरिंग एग्जाम डेली करवाइएगा। हाँ ओके, और एक गोल सेट अभी मैं बता दो, कितने बच्चे चाहते कि वो आउट ऑफ स्कोर करे हाथों पर कीजिए। मैं आपको एक एग्जाम के कुछ अमेजिंग टेक्निक दे रहा हूँ, उसको याद भी रखो। और ये जो करेगा ना वो आउट ऑफ ही स्कोर करेगा, ये थोड़ा है कि पावर है, ये मैजिक है। आंखें बंद करके देखना, मैजिक की काम है ना, मैजिक वाला। आपकी परसेंटेज भी मैजिक से ही बढ़ेंगे। अभी देखो कॉस्मिक एनर्जी, कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स में बता रहा हूँ और ये काफी हाईलाइट है। ड्यूरिंग एग्जाम ही कीजिए ये पॉइंट्स। मैंने मीटअप में कहे थे जब फेब्रुवरी मार्च चल रहा था तब, अभी मे भी किसी की मे बी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाली है या चल रही होगी, आई डोंट नो, मगर अभी आएगी तो ये पॉइंट्स याद रखिए। पहला पॉइंट है कि बिफोर मेडिटेशन, बिफोर एग्जाम मेडिटेशन आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन करना है। बिफोर एग्जामिनेशन का मेडिटेशन अगर वो नहीं मिला आपको कौन से वीडियोस में है, तो मैंने यूट्यूब पे भी देके रखा है। आप अगर यूट्यूब पे डालोगे बिफोर एग्जाम मेडिटेशन बाय योगेश दयांडे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो कीजिएगा कि आपके बच्चों को कितने मार्क्स चाहिए, ये बच्चों को बोलिए, पूछिए कि बेटा आपको इस समय ये जो एग्जाम है उसमें आपको कितने स्कोर चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, ये बच्चों से पूछ। तो बच्चे को क्या कीजिए, वो बोलेगा कि मुझे 100 out of 90 चाहिए, 95 चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 100 out of 100 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप बड़ा लिखो, 100 out of 100 लिखो। ओके, तो एंड रिजल्ट उसका जो है आप एक अफर्मेशन वाटर के ऊपर लगा सकते हो, या फिर आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे एक सामने एक शीट लगा सकते हो। उदाहरण के तौर पे ये जो मार्क्स है, मैं इस एग्जाम में 100 out of 100 स्कोर लिया हूँ। ओके, लेने वाला नहीं हूँ, लिया हूँ, वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ओके, तीसरा ये सेकंड था कि गोल बनाना जरूरी है, वो कितना मार्क्स चाहिए वो बनाना जरूरी, उतने ही मिलते हैं, मैजिक की तरह। तीसरा जो अमेजिंग चीज है वो है, जब किसने बच्चों ने एंजल कॉलिंग मेडिटेशन किया था डे 13 या 12 में होता हुआ होगा वो एंजल, और उस समय पे वो एंजल दिख भी रही थी, वो जैसे कि व्हाइट यूनिफॉर्म है, सिर के ऊपर ताज है, वो दिख रही भी थी। ओके, ध्यान से सुनिए, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एग्जामिनेशन को जाओगे, कोई कंपटीशन पे जाओगे, या आपको डर लगता है कोई चीज का, या फिर आपको इंटरव्यू हो सकता है, या किसी बड़े आदमी के सामने जाना आपको डर लगता है, ऐसा कुछ भी है, ओरल एग्जाम है या ऐसा कुछ भी है, तो उस समय पे एग्जामिनेशन तो पर्टिकुलरली उस समय तो करना ही है। आप देखो जब ये करोगे ना आपके बच्चे हमेशा फर्स्ट आएंगे। क्या करना है, ध्यान की मुद्रा लेनी है, एंजल कॉलिंग करना है, एंजल आई नीड योर हेल्प, एंजल आई नीड योर हेल्प, आपकी मुझे मदद चाहिए, आपकी मुझे मदद चाहिए, एंजल आई नीड योर। ऐसे उनको इमेजिन कीजिए, जहां पे आप बेंच पे बैठे हो ना उनको बाजू में बैठे हैं, ऐसे इमेजिन करो, बाजू में बैठे हैं ऐसे इमेजिन करो, और उनको एक बार बोलो कि एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्कोर जाना चाहता हूँ, वो गोल जो आपने बनाया था आउट ऑफ स्कोरिंग का, वो आप विजुअलाइज करो। तो आप देखोगे कि वो जो पेपर है जो आपको यानी जाने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा आप मे भी डाउट रहेगा सर ये कैसे होगा, क्या होगा, ये काम करता या नहीं, मैं ये बताऊँ, इतने सारे बच्चों के अनुभव लिए थे एंजल कॉलिंग का। मैंने कहा था कि जब आप बच्चे को एग्जामिनेशन के यहाँ पे बैठना है, सो बच्चों ने कहा कि सर वो एग्जाम हमारे पूरे हमने समय से पहले भी छोड़ा और उनका आउट ऑफ स्कोरिंग आया। टेस्ट में भी यूज कर सकते इस टेक्निक को, एंजल कॉलिंग को, एंजल को बुला के उनको बाजू बिठाइए, जो भी आपकी विश है कि आप इस टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सी द मैजिक, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, अमेजिंग रिजल्ट। ओके, वो ये 3 चीजें कीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट। ओके ओके,
और सर, और कुछ? हाँ, उसका जो 26 के बाद का जो मेडिटेशन है वो चालू रखना है कि आगे का करना है? क्या क्या सर, फिर से बोलिए। उसका अभी डेज 26 हो गया है। एग्जाम के बाद का आगे देखिए, एग्जाम खत्म हो गई तो समय मिला तो आपका वीडियोस, हाँ वीडियो तब तक तो आगे का जो एग्जाम का चालू रखे। हाँ, ड्यूरिंग मेडिटेशन एग्जाम का मेडिटेशन रोजाना लेते रहिए। बरोबर है। और एक चीज ऐड करूंगा, जब आप मेडिटेशन करते हो ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन का, वो बस सुनो ना, बस सुनो मत। उसमें एक चीज है मैंने कही है वहां पे, आप पेपर को देखो, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। वहां पे आंखें बंद करना है, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और आप जब एग्जामिनेशन, आपके टीचर्स दे रहे हैं एग्जामिनेशन का जो वो सप्लीमेंट हो सकता है, वो क्वेश्चन पेपर हो सकता है, तो वहां पे इमेजिन करके देखो वो जो एग्जाम्पल। कल अगर मैथ्स का है तो मैथ्स इमेजिन करो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैथ्स मैथ्स मन में बोल सकते हो, और वो क्वेश्चन पेपर को देख लो पूरा। और आप जब देख रहे हो तो वो जो कुछ सॉल्व कर सकते हो तो वहां पे मेडिटेशन में सॉल्व भी करो। मैं कहता हूँ वहां पे कुछ सभी देखो, कुछ आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, या पेपर पूरा सॉल्व हो गया है, मैं कंप्लीटली पूरा वो क्वेश्चन आंसर वो पेपर पूरा सॉल्व करो वहां पे। जब आप वहां पे मेडिटेशन में करते हो ना, यू विल सी कि आप दूसरे दिन पूरा सॉल्व करके ही आते। ओके, और कुछ बच्चे का कुछ ऐसा अनुभव था सर, हमने जो मेडिटेशन में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे ना वो एग्जामिनेशन में वही आए थे? ऐसा भी इंट्यूशन, हमारे इंट्यूशन भी एक पावर है पढ़ाई का, तो वो भी होता है, यानी ऐसा भी एक मैजिक होता है। चलिए ओके, और किसी की? ओके, अनम्यूट कीजिए सर। अबे जो अनुज है ना, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा डरता है, ऐसे कोई बात आपको बोलना है तो ऐसे जल्दी बोल नहीं सकता है, तो उसको आप बोल सकते हो क्या करना है। मैंने एक टेक्निक बताई थी सर पिछले कई मीटिंग के पहले, दो तीन मीटिंग के पहले, कि बच्चों को एक स्क्रिप्ट देना है। ओके, पहले दो तीन है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, उनको अगर आंखें बंद करके आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दिखा सकते हो, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर निकल जाएगा। सेकेंड चीज है कि उनको जो है स्क्रिप्ट बनाइए 3 से 5 मिनट की, जो कुछ जैसे कि कोई मोटिवेशन सेमिनार है, लेक्चर है, या कोई मोटिवेशन है, उसको लर्न करने के लिए कहिए, और उनको डिलीबरेट यानी जानबूझ के जो है लोगों को दिखाइए। जैसे कोई मेहमान आए उनको दिखा सकते हैं, स्कूल में कोई फंक्शन हुआ वहां पे दिखा सकते हैं, तो डर खत्म हो जाएगा। या फिर यूट्यूब मोबाइल पे फ्रंट कैमरा ऑन करके वो स्पीच बोलने के लिए कही है, यूट्यूब पे भी बच्चे काम कर सकते हैं अच्छे से वो स्पीच करके। तो जो डर है बच्चों का निकलना जाना है निकलना है, तो उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म दीजिए। ओके, इससे उनकी लीडरशिप भी बढ़ेगी, डर भी खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब चीजें। चलिए ओके ओके, मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आँखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊँ, बच्चों की जो इंद्रियाँ हैं यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मैडम फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। मैडम फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो मैडम फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए,
क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है, अरे मेरा भी नहीं था। लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यशवी दीदी करती है ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनो है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG851993। ये लो, नंबर सही बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूं सारा। हाँ, पेज, वो पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पर आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए। माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं नींद में, जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था, विचार शून्य की अवस्था। आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी,
आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन, जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना, आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पर नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2-2-1 नंबर पे निकालो। 2-2-1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द एपोस्ट्रोफ एज अ डिफॉल्ट लेवल परफेक्ट कैरेक्टर, देन रिवर्स इट व्हेन यू रीड इट। यस, द डॉलर सिंबल डिसेक्टिंग अ फील्ड नेम 3+। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, एक एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है, इसका एसेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए है 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूँ, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है, उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारे जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इंट्रोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी
टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी नाज करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आँखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़ें, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा इसी 30 डेज़ में, वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, TV देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय डिफेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है माय डिफेंस रूइकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी अगर दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है माय फ्रेंड्स रूइकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रिकी प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रिकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपये के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट पर मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊँ, आपको फंसाऊँगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है, और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। मेरे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है, थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है, बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डिफेंस, ये चीज़ें सीखने के बाद माय डिफेंस आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है।
मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितनी लोग सीखना चाहेंगे मुझे? यस करो यस, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ, मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10,00,000 बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, देखी है। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John de Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, you're doing it. Okay. But you hold on to me. So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या? देखो, तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वॉज शॉक, ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, सर बहुत झगड़ा करता था, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कम हुआ है?
मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए? और कैसे? अरे वाह, आपको बहुत पसंद आया। पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन देता, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावाडा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे, और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। भारी बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा, बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ, और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है, और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। हाँ हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो वो करे, ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि
सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टिया उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। खूप कंटाळा येतात, पण जेव्हा करणार ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदनी बता रही गाँव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। नहीं, कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके सामने आता था जब तक देखे तो दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अब कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे के लिए तो लास्ट होता। वो आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? okay. यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था D1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाओ क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था, यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब है ना एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए, और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है,
तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं दो दो ढाई ढाई बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। करना, करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों का खींच गए सांसों का खींच गए, मुट्ठियों का खींच गए सांसों का खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने